हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम वी एल गुप्ता। आज आप सभी को ग्रामर की बहुत ही अच्छे टॉपिक आर्टिकल का मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल ये आपके एकेडमिक में ही नहीं बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और इस टॉपिक में आपके फाउंडेशन जब आपकी प्राइमरी लेवल की डाली जाती है तो वहीं से आपकी गलतियां स्टार्ट होती हैं। वो गलती क्या है और उनको अवॉइड करना है, उनसे बचना है, तो उसे किस प्रकार देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल ए एन और द। तो अब आपके सामने हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, रेड पॉइंट दबाएं और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करो। और कमेंट्स भी, आपको कोई सजेशन है, कमेंट्स है तो उसे लिखिए, मैं आपका रिस्पॉन्स करूँगा, उसका रिप्लाई दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए आर्टिकल, जैसे बच्चे आप जानते हैं ए और एन का मतलब होता है एक और द। तो इसमें देखिए, ये जो द होता है बच्चों, द होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो द क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। अब आते हैं ए और एन। ए और एन होते बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आर्टिकल बच्चों कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में दा आता है और इंडेफिनेट में ए और एन आते हैं। अब इनके बच्चों यूज देखिए। ऐतिहासिक इमारत, धार्मिक पुस्तक, नदी, पहाड़, पर्वत, सुपरलेटिव डिग्री से पहले और अद्वितीय वस्तुओं से पूर्व, जो इस संसार में अपने आप में अद्वितीय हैं, उन जैसा कोई दूसरा नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, महासागर, दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए दा ताजमहल, ताजमहल से पहले रेड फोर्ट हो, कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, दा का प्रयोग करेंगे। सूर्य इस संसार में अद्वितीय है, अकेला एक सूर्य है, दा सन। पृथ्वी अकेली अद्वितीय है, दा अर्थ। रामायण धार्मिक पुस्तक है, दा रामायण। दा बेस्ट सुपरलेटिव है, गुड की सुपरलेटिव होती है, तो गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट हो गए सुपरलेटिव। तो जितने सुपरलेटिव डिग्री होती है उनसे पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। तो ये था बच्चों दा का। अब मुख्य मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बच्चों आपका ए और एन। दा का तो मोस्टली बच्चे लगा देते हैं पढ़ के, लेकिन ए और एन देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि ए ई आई ओ यू, वोवेल इंग्लिश में पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, ये पांच वोवेल होते हैं। अब पांच वोवेल से पहले टीचर्स क्या बताते हैं, मैडम कौन से जेंट्स टीचर, कि जहां ए ई आई ओ यू आ रहा हो उससे पहले एन लगा दो। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ए ई आई ओ यू आए या ना आए, आपको रूल के साथ। देखिए हिंदी में वोवेल आ से लेकर के अ तक होते हैं, ये होते हैं वोवेल स्वर हिंदी में। अंग और बड़ी अंग ये वाला होता है अनुस्वार, और का से जातक व्यंजन। तो इनका ध्यान रखना है आपको, ये रूल चलेगा। देखिए ए, जो शब्द व्यंजन की ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, व्यंजन कौन से, का से लेके जातक उनकी आवाज आ जाए, तो उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बुक, अब देखिए बुक में बा की आवाज आ रही है, तो ये व्यंजन हो गया, का से ज्ञा के बीच में आ गया बच्चों, तो व्यंजन की आवाज आ रही है तो ए बुक। चेयर, चा की आवाज आ रही है, का से ज्ञा के बीच में आएगा, तो ये हो गया ए चेयर। अब बॉय, बा की आवाज आ रही है बॉय में, तो ए आ गया। अब देखिए यहाँ तो ये यू, अगर हम इस रूल को लगाए ए ई आई ओ यू से पहले हम एन लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे यू है। अब यू तो वोवेल है इंग्लिश का, लेकिन एन यूनिवर्सिटी ये गलत है, क्योंकि ए आई यू से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी किसकी साउंड दे रहा है बच्चों, यू या यज्ञ की। देखिए मैंने कहा या यज्ञ, तो यूनिवर्सिटी या यज्ञ व्यंजन की आवाज देता है। और दूसरी तरफ अगर मैं लिख दूं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला किसकी आवाज देगा, जैसे ये देखिए अम्ब्रेला, ये यू से ही शुरू हो रहा है,
लेकिन ये आप ही आवाज दे रहा है बच्चों, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। तो इससे पहले हम एन लगाएंगे, तो यहाँ आ ये यू जो है स्वर की आवाज दे रहा है तो एन लगाएंगे, ये यू ए की व्यंजन की दे रहा है तो ए लगाएंगे। अब आते हैं बच्चों दूसरा एन, जो शब्द स्वर की ध्वनि से प्रारंभ होते हैं अर्थात जिनमें बोवेल की आवाज आती है उनसे पूर्व हम क्या लगाते हैं एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, देखिए एप्पल ए, ए की आवाज आ रही है, ए ए की आवाज दे रहा, ए आता है स्वर के अंदर, हिंदी स्वर के अंदर आना चाहिए। बोवेल की आवाज हिंदी के स्वर से होती है, इंग्लिश से नहीं। एप्पल ए, ऑरेंज ओ की आवाज आ रही है, देखिए ओ स्वर होता है, आ गया एन। बोवेल से शुरू हो भी सकता है नहीं भी। एन ऑनेस्ट, देखिए अब ये व्यंजन है, एच तो व्यंजन है तो व्यंजन से पहले तो हमें ये लगाना चाहिए, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है बच्चों, ओ की, ऑनेस्ट ओ की, ये स्वर है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये आर्टिकल का प्रयोग है, आपको ये अच्छी तरह से समझना है और हिंदी स्वर का विशेष ध्यान रखना है। एक ही आयु का हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपको हिंदी स्वर की आवाज आए तो एन और व्यंजन की का से क्या के बीच में आए तो ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आपको बताया, जैसे एक सेब की अंग्रेजी एन एप्पल होती है, एक संतरा एन ऑरेंज, एक ईमानदार आदमी एन एन अम्ब्रेला, एक छाता ए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी। तो ये इनके सबके अर्थ के अनुसार मैंने बताया। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे, विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगला वीडियो में बहुत अच्छे वीडियो के साथ ग्रामर में आएंगे हम। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू।